बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, आखिर ऐसे कौन से वो टिप्स हैं, कौन सी ऐसी क्रीम है या फिर कौन सी ऐसी केयर है जिन्हें करके हम अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, हम हमारी स्किन में निखार ला सकते हैं या गोरापन पा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके वीडियो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश और स्वागत करता हूँ आप का हमारे इस चैनल में। इस चैनल में हम आपको हमारे हेयर लॉस के बारे में, स्किन टिप्स के बारे में, ब्यूटी टिप्स के बारे में बताता हूँ। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं ग्लोइंग स्किन की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्किन होती है, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। हमारी स्किन पर सबसे पहले इफ़ेक्ट जो होता है, चाहे धूप हो या डस्ट हो या मिट्टी हो, सबसे पहले इफ़ेक्ट जो होता है स्किन पे ही पड़ता है, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है वो सबसे आउटर पार्ट है, हमारी बॉडी का एक आउटर पार्ट है। तो स्किन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और आजकल इतना धूप हो गई है, इतनी पोल्यूशन हो गया है, इतना डस्ट हो गया है, इतना केमिकल्स का यूजेस हो गया है, उन सबसे बच के रहना बहुत मुश्किल है। इनसे हम बच के नहीं रह सकते, आप भी नहीं रह सकते, मैं भी बच के नहीं रह सकता। हमें मार्केट में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लोगों को आउटिंग जाना पड़ता है, वर्किंग होती है, मार्केटिंग, तो धूप में, मिट्टी में, डस्ट में जाना ही पड़ता है। इन सब के बावजूद हम अपनी स्किन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, वही मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हम स्किन की केयर जो होती है, शुरुआत होती है हाइजीन से। हमारी स्किन की हाइजीन कैसी है, हम कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, अगर वो अच्छा हाइजीनिक है तो आपकी स्किन ग्लो करेगी बिल्कुल। अगर आप अपनी अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छे फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, जूस अगर आप डेली पी रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, तो आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल ग्लो करेगी, चमक मारेगी और निखार इसमें आएगा। आपको किसी भी मेडिसिन और क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मार्केट में स्किन को साफ़ करने की, रंग साफ करने की बहुत सी क्रीम आ रही है, बहुत सी क्रीम आती है जो ये दावा करती है कि गोरा हो जाएगा या फिर स्किन में निखार आ जाएगा, आपकी स्किन बूस्ट करेगी। तो आप सबको मैं बता दूं, एज ए डॉक्टर होने के नाते और एज ए फ्रेंड और एज ए गाइडर, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है जो आपके नेचुरल स्किन टोन को निखार सके और आपको गोरा बना सके। बस जो स्किन और जो क्रीम होती है महज कुछ दिनों के लिए इफ़ेक्टिव होती है। वो क्या होती है कि आपकी स्किन की अपर लेयर को जला देती है, अपर लेयर को ख़राब कर देती है, उससे जो नीचे की लेयर होती है वो आपको दिखाई देती है, लोगों को दिखाई देती है, नीचे की लेयर न्यू आती है। तो इससे हमारी स्किन जो होती है वो उस क्रीम की, क्रीम में स्टीरॉयड्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, हमारी स्किन उस क्रीम के हैबिचुअल हो जाती है, यूज्ड हो जाती है। जैसे आप वो क्रीम या फिर वो केमिकल छोड़ते हो तो आपकी स्किन डल हो जाएगी, ब्लैक हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो ऐसी क्रीम प्लीज़ आप अवॉइड कर दीजिए। अगर आप शुरू कर रहे हो, अगर आप यूज़ भी करते हो, उन्हें आज से बंद कर दीजिए। इसके बाद बात करता हूँ मैं स्किन केयर की। आप फेस वॉश आप नॉर्मल जो है सिंपल पानी से कीजिए, किसी केमिकल या फिर साबुन से वॉश मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फेस साबुन से या शैम्पू से या फिर फेस वॉश से वॉश करते हो तो आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है, जो सीबम है हमारी स्किन से नेचुरल निकलता है, वो साफ़ हो जाएगा। जब वो साफ़ हो जाता है तो स्किन ड्राई हो जाती है। जब स्किन ड्राई हो जाती है तो हमारी स्किन पे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स आती है और हमारी स्किन ग्लो नहीं रह पाती, ग्लो नहीं कर पाती। तो हमारी स्किन में ग्लोइंग का राज क्या होता है, ग्लो क्यों करती है, चमकती क्यों है? हमारी स्किन से नेचुरल सीबम जब निकलता है तो उससे हमारी स्किन ग्लो करती है। तो आज से ही आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में हैं तो स्किन को, फेस को बहुत ज़्यादा वॉश मत कीजिए। अगर वॉश ही करना है तो सिर्फ सिंपल पानी से कीजिए। मेरी एडवाइस यही है, अगर आपको स्किन की तरह प्रॉब्लम है तो स्किन को सिर्फ और सिर्फ आप सिंपल पानी से वॉश कीजिए। सिंपल पानी से वॉश करके आप स्किन को निखार ला सकती हो, स्किन में अच्छी स्किन ग्लो कर सकती है। इसके बाद बात करता हूँ, जूस आप डेली पीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करके आप, केमिकल्स वाले जो है उनको अवॉइड करके आप सिर्फ जूस पीजिए। जूस से आपकी स्किन पे बहुत ग्लो आने वाला है। और इसके बाद स्क्रबिंग, हफ्ते में हो सकता है तो दो बार स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने से क्या होता है, जब आप स्क्रब करते हो फेस पे या फिर कहीं भी स्किन में, तो जो ऊपर की डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। जब डेड स्किन रिमूव हो जाती है तो न्यू स्किन आपको लोगों को दिखाई देती है जो कि बिल्कुल ग्लोइंग होती है। तो स्क्रब करके आप अपनी स्किन में ग्लो ला सकते हो। और उसके बाद अगर आप मेकअप करती हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि हेवी मेकअप मत कीजिए। ऐसा ही मेकअप कीजिए जो आपकी स्किन को सूटेबल हो, जो आपको स्किन को शूट करता है। और बहुत हल्का मेकअप कीजिए, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ मत कीजिए। कोई भी क्रीम या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट
बिना सेंसिटिविटी टेस्ट किए आप स्किन पे बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो इन्हें नोचिए मत, पिंपल्स को नाखूनों से तोड़िए मत। ऐसा करने से आपके वहाँ पे स्किन पे परमानेंटली स्कार पड़ जाएगा, निशान पड़ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपके स्किन में है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, स्किन केयर एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। बिना डॉक्टर के एडवाइस के, मेडिकल से या फिर किसी की बहकावे में आके, न्यूज़पेपर में देख के आप बिल्कुल भी कोई मेडिसिन अपनी स्किन पे यूज़ मत कीजिएगा। इससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है और आपकी स्किन के जो ग्लो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। धूप से जितना बच सकते हो, अगर आप धूप से नहीं बच सकते, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि बहुत से लोग जो होते हैं वो 17-18 साल की एज में आने के बाद उनके स्किन पे पिंपल्स होना शुरू हो जाती हैं, बहुत से जो बॉयल्स हैं वो हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस एज में एक्चुअली हमारी स्किन में ये इफ़ेक्ट इसलिए आते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम बचपन से जवानी में प्रवेश करते हैं। जब इस तरह से होता है हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज, तो उस हार्मोन के इफ़ेक्ट के कारण वो पिंपल्स, वो जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, परेशान मत होइए, वो अपने आप ठीक हो जाता है। आप ब्लड प्योरीफायर भी पी सकते हो, उससे भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से एडवाइस लेके ही कोई क्रीम लीजिए, कोई मेडिसिन लीजिए। बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप कोई भी मेडिसिन या क्रीम मत लीजिए। एक बात और बता दूं कि स्किन की जो हमारी ग्लो होती है वो खुशी से आती है। अगर आप खुश रहते हो तो स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो आएगी, और अगर आप हंसते खेलते रहते हो तो स्किन ग्लोइंग करेगी। आप देखते हो, आपने सुना भी होगा, आपने रोज़ पड़ोस में देखा भी होगा, जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, जो फीमेल्स रात को सोती नहीं है, नींद नहीं ले पाती, टेंशन में रहती है, ज़्यादा ओवरलोड वर्किंग करते हैं, रात को प्रॉपर नींद नहीं लेते, उनके फेस के आँखों के नीचे झाइयाँ पड़ जाती है, स्किन का ग्लो उनका ख़राब हो जाता है। तो आप सबको मैं बता दूँ कि अच्छी नींद और प्रॉपर डाइट जो होती है, बिना टेंशन के और बहुत ज़्यादा खुश आप रहिए, आपकी स्किन जो होती है ग्लो करेगी। हंसते रहिए, कीप स्माइलिंग, और आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारी वीडियोस में हम आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड सारी वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हेयर और स्किन से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम देंगे आपको उसका सॉल्यूशन और इस पर बनाएंगे वीडियो। एक बार फिर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। गुड बाय। अगर आपका मार्केटिंग का काम है, आप सारा दिन धूप में रहते हो या फिर आप डस्ट में रहते हो, पोल्यूशन भरी लाइफस्टाइल आपकी है, तो मैं एडवाइस करूँगा आप बाहर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाइए। सनस्क्रीन लोशन पे एक बात लिखी होती है SPF, उस SPF का मतलब मैं बता दूँ, इसका मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मतलब जो हमारी स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही है उनको वो बचाती है। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपसे सबसे बेस्ट सन प्रोटेक्शन फैक्टर 25 से 40 के बीच का सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाला है, आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। आप अपने हाथों को, गले को और फेस को पूरा कवर करके आप बाहर निकलिए। और अगर आप मेकअप करते हो तो रात को मेकअप उतारे बिना बिल्कुल मत सोइएगा, मेकअप उतार के ही सोइएगा।